इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का पवित्र व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन भद्रा का साया सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक रहेगा, लेकिन इसका वास स्वर्ग में होने से यह चिंता का विषय नहीं है। इस साल करवा चौथ पर दो अशुभ समय हैं। पहला दोपहर 2:56 से शाम 4:21 तक और दूसरा 4:21 से 5:46 तक। इन समयों में पूजा कार्यों से बचना चाहिए। शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। इस समय पर माता करवा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपना व्रत सफल बनाएं। चांद निकलने का समय इस साल शाम 7:54 है। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पारण कर सकती हैं। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा और धार्मिक आयोजन को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ से जुड़ी मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करने की मनाही होती है। करवा चौथ साल में एक बार आता है और सभी महिलाएं इसका बेसब्री से इंतजार करती हैं, लेकिन पीरियड्स आने पर वे असमंजस में पड़ जाती हैं कि क्या उन्हें करवा माता की पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत को लेकर कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पीरियड्स के दौरान महिलाएं पूजा अर्चना नहीं करें, व्रत रखें लेकिन पूजा मानसिक रूप से करें। किसी सुहागन महिला या पति से पूजा करवा सकती हैं। पूजा सामग्री को न छुएं, लेकिन मंत्रों का जाप जारी रखें। चांद निकलने पर अर्घ्य दें और व्रत खोलें। आप पूजा में शारीरिक रूप से शामिल न होते हुए भी मानसिक रूप से पूरी श्रद्धा से भाग ले सकती हैं। जब चांद निकले आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत खोलें। यह सुनिश्चित करें कि आपका व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। इन नियमों का पालन करके महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। अंत में आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही धर्म, अध्यात्म और दिव्य उपायों की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समुदाय से जुड़े। जय श्री कृष्ण।